शिव वात्सल्य के देव हैं, परंतु शिव के रुद्र रूप से भी कोई अपरिचित नहीं है। तो आइए शिव के इस रुद्र रूप शिव तांडव को नृत्य के रूप में प्रस्तुत करने आ रही हैं BAMS फाइनल वर्ष की छात्राएं। छाया उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। जाती है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं एवं बुलाते हैं हमारे भाइयों को BAMS फाइनल वर्ष के छात्र, जो आपके समक्ष लेके आ रहे हैं गढ़वाल का लोक नृत्य। Thank you.
आसू तुई मेरो सारो गेल्या छुणाको गेल्याणी तू सासू करे मेलामा पणाको भरोसू तुई मेरो सारो गेल्या छुणाको युईची मोका मेला घुमण हिनाको गेल्याणी तू सासू करे मेलामा पणाको गेल्याणी कीजिए जिनके नृत्य के बोल हैं गोविंदा आला रे आला जरा मिटकी संभाल ब्रजवाला मस्ती
बहुत शुभ समाचार आपको देने जा रहा हूँ, क्योंकि आयुर्वेद के लिए बहुत दिनों से अपेक्षा थी कि जो संस्कृत के लोग भी आयुर्वेद के एडमिशन के लिए उनको भी मौका मिले, एक ब्रिज कोर्स एक साल का करके उनका एडमिशन की व्यवस्था CCIM के द्वारा, आयुष के द्वारा, मंत्रालय से हो गया है। माननीय हमारे CCIM के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर त्यागी जी मोबाइल पर हैं, मैं उनके मुँह से आपको आशीर्वाद दिलाता हूँ। अभी हुआ है, अभी फोन आया है और आप लोगों के लिए एक गर्व और गौरव की बात है। गवर्नमेंट के साथ आज CCIM और भारत सरकार ने मिलकर डिसीजन किया है कि जो संस्कृत इंडस्ट्री के लड़के हैं, जो 10+2 संस्कृत से पास है, उनके एक साल का उनके लिए प्री आयुर्वेद का कोर्स होगा, वो सीधे एडमिशन हो जाएगा प्री आयुर्वेद में। फिर वो 6.5 साल का कोर्स उन बच्चों के लिए होगा, वो आयुर्वेद के डॉक्टर बनेंगे। ये आज डिसीजन होगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब, सबको सुना दिया है, अब आस्था के माध्यम से पूरा देश भी सुनेगा। धन्यवाद। आज हमारे लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच जगत विख्यात परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी जी एंड एवं आदरणीय प्राचार्य जी बालकृष्ण जी हमारे बीच में हैं। कार्यक्रम अपने अंतिम चरण की ओर अग्रसर हो रहा है। उल्लास 2016 हमारे पतंजलि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान का वार्षिक परिदृश्य है। इसके भीतर कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा चुके हैं, लेकिन हमारी हार्दिक इच्छा थी कि आए हुए समस्त पूज्यजनों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। एक छोटी औपचारिकता ही सही, लेकिन वो हृदय से उद्भूत उद्गारों को प्रसृत निसृत और आपके सामने प्रकट करने का एक उचित अवसर है।